हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करें ये जानने की कोशिश करते हैं। तो डे बाय डे एनर्जी चेंज होती है, तो ये रीडिंग तभी काम आती है क्योंकि जानने का मौका मिलता है कि वो क्या फील करें। ये एक्चुअली रीडिंग आपके लिए होती है इनडायरेक्टली से आपकी हीलिंग हो जाए छोटे से लेवल से ही, ये मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन है। और ना जाते हुए सही कभी कभी ना मैनिफेस्टेशंस भी हो जाते हैं, तो उस एनर्जी को आप क्लेम करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं और बस आपके रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। तो देखते हैं आज की फीलिंग्स क्या निकल के आए, क्योंकि जिस तरह से अचानक से मेरी तबीयत ठीक हो गई है और मुझे जो अच्छा फील हो रहा है, तो उसकी वजह से मैं जानना चाहती हूँ फीलिंग्स क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि बहुत फीलिंग है ऑफ होप नज़र आ रही है मुझे, होप। लेट्स सी, आज पहले टैरो कार्ड्स देखेंगे। दो कार्ड गिवे हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड एंड टेम्परेंस। ओके, द वर्ल्ड, द टेम्परेंस, द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, द लवर्स, हैंगमैन, बॉटम डेक है द डेविल, ओके, डेविल, हैंगमैन, ये भी आया था तो मैं इसे लेना चाहूँगी। ओके, रैंडम भी कार्ड चूज़ किया लेकिन कार्ड्स बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा ना था कि मुझे फील हो रहा है, मुझे वाइब्स लाइक नो, अरे ये कार्ड तो ना पहले होना चाहिए ना। ओके, तो एनर्जी क्या चल रही है? एनर्जी चल रही है कि एक थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, वहाँ से निकलने की एनर्जी है। जिस दुख, तकलीफ, दर्द का एहसास उन्होंने आपको किया था, ये दिल चीर के रखने वाली जो एनर्जी है ना, वो काफ़ी हद तक ना इतना रुला रही, इतना तड़पा रही, इतना चीख जो है ना वो खुद को ही सुनाई दे रहे हैं। तब जाके उनका एहसास हुआ है कि आपको कितना दर्द हुआ था। मतलब जब प्रॉब्लम्स आती है, मुश्किलें आती है, डिसीजंस आते हैं ना, तो प्रैक्टिकली या इमोशनली डिसीजन लेना आसान होता है, लेकिन उसको सहना, खास करके वो डिसीजन किसी और का हो और हमें मानना ही पड़े, ये जो तकलीफ़ होती है, ये जो दर्द होता है, वो चीज़ लाइक दो लोग साथ में चल रहे हैं, अचानक से एक इंसान पीछे मुड़ के देखो तो गायब है, तो वो फीलिंग, वो दर्द, वो तकलीफ़, इतना एहसास, इतना डरावना होता है, इतना तकलीफदायक होता है, उस चीज़ का एहसास उनको काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा गहरे से हो रहा है। इनकी ये जो पार्ट था ना, ये कर्मा का ही पार्ट था। ये जो उनके साथ जो सिचुएशन है या रिलेशन है, हर चीज़ उनको कुछ सिखाने के लिए ही हुई थी, और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक उनको उस चीज़ का सबक मिल रहा है, किसी इंसान का हो या किसी सिचुएशन का असली चेहरा उनके सामने जैसे आया हो। इनकी कार्मिक सिचुएशन ना एंडिंग पे है, अगर शुरू भी हुई ना तो उसका भी एक अलग ही बात है, क्योंकि ये शुरू होना भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी, तो वो चीज़ उनके सामने आ रही है। ये काफ़ी हद तक अपने अपना पेशेंस जो रखे हुए थे, उस सब्र का बांध टूटने वाला है, कि ये जो पेशेंस रखे हुए थे कि चलो ये जो लाइफ है, ये कर्मा का पार्ट है, लाइफ सबकी अच्छी नहीं होती, चलो मैंने गलती की है, मुझे सहना पड़ेगा, जो भी है, तो वो जो पेशेंस रखे हैं, अपनी इमोशंस को छुपाए रखे हैं, सब कुछ। लेकिन एक वक्त आता है जब अपनी इमोशन से ना वो प्यार, वो सब्र, वो कभी काम ही नहीं आता, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक मुझे ना डिवाइन टाइम की एनर्जी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, खास करके कुछ लोगों के लिए,
जहाँ पे रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एक ऐसा सेलिब्रेशन जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। खास करके मुझे मैरिज कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आए। हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, तो मतलब आप मैरिड हो या वो मैरिड हो, बट एक सिचुएशन का, एक सोल्यूशन, कुछ इस सिचुएशन का या इस प्रॉब्लम का कुछ हल निकलने वाला है। जैसे कि आप कास्ट, कल्चर, रिलीजन शायद अलग हो और पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, कुछ भी चीज़ हो आपके रिलेशन में, तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं, कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला है, एक वक्त आने वाला है जहाँ पे आप लोग दूसरे को, एक दूसरे को वापस आमने सामने खड़ा करेगा अचानक से ही सही, भले आपकी इच्छा नहीं सही। क्योंकि कुछ लोग का ऐसा है ना कि इतना अभी हालात से बेजार हुए हैं, हालात से इतना तकलीफ़ में है कि ऐसा लग रहा है कि अभी पता नहीं कब और कैसे होगा। ये लोग बोलते तो बहुत है लेकिन होता तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो जिसके वक्त में होना है वही होगा। बट यहाँ पे आप देखोगे कि थ्री ऑफ कप्स लव हार्ट्स है, टू ऑफ कप्स है, फोर ऑफ वैंड्स है और सिक्स ऑफ सोर्ड्स है। हर कार्ड जाना रीयूनियन की तरफ इशारा करना है, हर कार्ड कि अपनी सिचुएशन से, निगेटिव एनर्जी से वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सोल्यूशन मिल जाए तो बस गाड़ी निकल पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करवाते हैं। यस, एकदम ऑब्सेसिव एनर्जी भी है, बहुत पजेसिव नेचर। इनके जो एक अलग सी एडिक्टिव हैबिट थी ना, वो इंक्रीज हो रहे हैं। आपको अगर देख मतलब मिल नहीं पा रहेंगे या कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप को ना किसी एडिक्शन हैबिट्स में ज़रूर फंसाना चाहेंगे। जैसे कि इवन काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा डुबाना चाहेंगे, या फिर अल्कोहल हो या स्मोक हो, उस धुएं में ना अपने आप को जैसे खोना चाहेंगे। क्योंकि जो भी फीलिंग्स है ना, उसका सामना नहीं कर पा रहे। मिलना तो है लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी चीज़ फील हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये इस हैंग सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक ये अपनी जर्नी या अपना सोच या पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करते, यूनिवर्स ऐसा नहीं छोड़ सकती। और इस बात का आपको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि यूनिवर्स उनको बदलना चाहती है, उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, उस प्यार का, उस इंसान के दिल का, हर चीज़ का, फीलिंग का एहसास करवाना चाहती है, इसीलिए सब चीज़ें रुकी हुई हैं। तो यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग है, आपके साथ खुशी के पल बिताना चाहते हैं, एक हाथों में हाथ डाल के आपके साथ बैठना चाहते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहते हैं, कि वो खूबसूरत पल जो कभी आपने साथ में बिताए थे या फिर कभी इमेजिन किए थे, वो साथ में बिताना चाहते हैं। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा। देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल के आता है। आज तो लिटरली बल्ले बल्ले है। नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना, 21, 14, 3, 2, 6, 66 की एनर्जी है, 33 की एनर्जी है, 333 लाइक ना, 333 एंजल नंबर भी आपको शायद दिख सकता है, दिख रहा हो। 1221 की एनर्जी है, 1221 ये एंजल नंबर आपको शायद दिख रहा हो बार बार। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, सजिटेरियस और जेमिनाई, कैप्रिकॉन, ये साइंस, पाइसिस, टॉरस, ये साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग। नज़र पूरी रखे हैं आपके ऊपर, पूरी नज़र रखे हुए, आपको पता नहीं है कि कैसे क्या होगा, बट कैसे, लाइक ब्लॉक सिचुएशन है आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, कैसे पता नहीं, बट है तो सही। कम से कम आपकी फ़ोटोज़ है, पुरानी फ़ोटोज़ होगी, मतलब पुरानी इन द सेंस कि उनके पास होगी, जो भी है कहीं तो होगा, प्रोफाइल होगा, स्टेटस, डीपी कहीं तो होगा ना, उसके ऊपर पूरी नज़र है, पूरी नज़र। 27 नंबर, वॉकिंग अवे, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी एग्जैक्टली फील हो रही है। हीलर ऑफ द एजेस, इनकी हीलिंग प्रोसेस चालू है, जो भी ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं, जो भी ट्रिगर्स है ना, जो इनके सामने जो कार्मिक सिचुएशन हो, यहाँ पे मुझे पैसे की दिक्कत कोई नज़र नहीं, क्योंकि मुझे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है। मैंने वॉकिंग अवे के बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंडिंग क्यों नज़र आया, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे एक वॉकिंग अवे की एनर्जी, या तो थर्ड पार्टी इनको छोड़ने वाली है,
उसकी वजह से छोड़ चुकी है, इसकी वजह से दिल टूटा हुआ है, क्योंकि वो एक धोखे का एहसास बहुत ज़्यादा गहरा फील किया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना उस थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत जान लुटाई थी। बोलते ना वो चमकते सोने के पीछे जाने की एनर्जी थी, और उसके बाद ना मतलब ऐसा लगा कि मैंने किसी को चांद सितारे पे ये जगह दी थी, और मेरी किसी की नज़र में इतनी अहमियत थी, और मैंने उससे कहीं बढ़कर आपको जगह दी थी, थर्ड पार्टी को जगह दी थी, और इसके बाद मुझे ये सिला मिला है। तो उसकी वजह से ना खुद में ही एक अजीब सा दर्द है, शर्मिंदगी है। एंजल ऑफ लव, वाह। तो ये जो काम है ना, ये जो उनके सामने हर चीज़ सिचुएशन सही रास्ता दिखाना, सही सच का दिखाना, कुछ पर्दे का जो खुल जाना, ये जो भी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होना, ये एंजल्स कर रहे हैं, क्योंकि जो है वो एंजल्स की तरफ से होता है। अगर ये सब नहीं होता तो उनको कभी आपके प्यार का, आपका दर्द का कभी एहसास ही नहीं होता। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा, एंजल ऑफ लव आपके साथ है। ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की एनर्जी में, सोचे तो क्या सोचे, क्या कर दिया मैंने, मतलब सर पकड़ने वाली एनर्जी है, जहाँ पे अपनी गलती का पछतावा भी है और एक सोच विचार भी है कि अभी आगे क्या, कैसे करें, लाइक आपको अप्रोच करना है, आपको आपसे बात करनी है, तो कैसे आगे क्या होगा, इस सोच में ज़्यादा नज़र आ रहा है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो हो ना हो किसी, मुझे ना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक एनर्जी थी जो पैसे के लिए, या पैसे की उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, या उनकी एक रुतबे की वजह से उनके साथ थी, तो वो चीज़ शायद उनके लाइफ से निकल रही है, या तो पैसा ही निकल रहा है। इन द 14 नंबर दो बार आया है, तो इट कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, केयरिंग कनेक्शंस। सी, मैंने कहा ना कि उनको आपके प्यार की, आपके दर्द की, आपकी फीलिंग्स की, हर चीज़ की कदर इसलिए हो रही है क्योंकि कोई चीज़ का जो धोखा या कंपैरिजन है ना, वो खास करके बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है, बहुत बहुत गहरा। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहना चाहेंगे। कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना कार्ड्स बहुत ज़्यादा क्लियर आए। मैंने आई थिंक कैंडल वैक्स रीडिंग की थी ना, तभी मुझे वो इंट्यूशनल मैसेज आया था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग है, एंड दिस इज़ द थिंग कन्फर्मिंग द थिंग, लेकिन ना बहुत कंफर्म हो रहा है। सेक्सुअल फ्रीडम आपके लिए, मैंने कहा ना एक ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है। कनेक्शन, तो मैसेज या कॉल आप आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खूबसूरत शाम आपके नाम वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि जल्द से जल्द आपके साथ मिलना चाहते हैं, एक खूबसूरत शाम हो, एक पल हो जो आपके साथ बिताना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग फीलिंग है, जहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा पल कुछ बिताया हुआ है, उसकी मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा खोए हुए। लिटरली इस एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि आप लिटरली यहाँ पे वो वाइब्स फील कर सकते हैं। स्पेशली इन द नाइट टाइम यू कैन फील ही और शी इज़ अराउंड यू। द गार्डनर, इस रिश्ते में वो मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस वो खिलाना चाहते हैं, लेकिन पहले बंजर कर दिया था, बहुत वीरान कर दिया था, अभी वो इसके पर काम कर रहे हैं। अबंडेंस, तो इस रिश्ते में आ रहा है अबंडेंस, एक जो खोई हुई, जो एक खोई हुई जो प्रॉस्पेरिटी हो या चमक हो, चमक वो खुशियाँ, हर चीज़ वापस आने वाली है। सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है, एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है। एंड बॉटम में देखे द गार्डन, डेफिनेटली इस रिश्ते के ऊपर मेहनत चल रही है, एंड इस रिश्ते में ना दो कार्ड है, द गार्डन और अबंडेंस और द गार्डनर। ये मुझे कह रहा है ना कि आपके रिश्ते में जो ग्रीन ग्रोथ या फिर एक अलग लेवल का कमिटमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रही है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बता रही है कि आपका कनेक्शन सोल लेवल का है, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, ये रिश्ते में जो उनको एक समझ चाहिए थी, एक फीलिंग्स चाहिए थी ना, वो एक एहसास होना, एक टिपिकल एहसास होना कि ये रिश्ता खास क्यों है, वो चीज़ उनके साथ हो रही है। तो यहाँ से भी लव आ रहा है, तो डेफिनेटली उनको आपके प्यार का एहसास बहुत बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। बिलीव इन योर गुड लक, ये तो मैं कहूँगी। आप अपने आप को बेकार में जो परेशान करके रखे ना, मेरा तो नसीब ही खराब है, नहीं, बिलीव इन योर गुड लक भाई,
वक्त होता है, फेज होता है कि भाई बुरा टाइम होता है, लेकिन अपना टाइम आ रहा है, तो बिलीव इन योर गुड लक, आपका अच्छा नसीब जो है ना, नसीब का साइकिल वो खुलने वाला है। एंड लाइटन अप, लास्ट क्वार्टर मनी लियो, एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ग्रूम कीजिए, मजबूत कीजिए, अपना ऑरा, अपनी एनर्जी इंक्रीज कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस डेफिनेटली। फर्स्ट क्वार्टर मून इन सजिटेरियस एंड लास्ट क्वार्टर मून इन लियो। तो लियो सजिटेरियस, मैंने कहा ना कि लियो से ज़्यादा सजिटेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड बी हम्बल, जो भी है थैंक्स टू यूनिवर्स कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत रीडिंग देने के लिए। एंड रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से कि जो भी सबकी इच्छा है वो पूरी करो जल्द से जल्द। ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट्स का प्लीज़ जवाब ना दे, क्योंकि वो सॉल्व कर दे, उसको रिपोर्ट करते करते मैं थक जाती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।